इसमें सर जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं रजिस्टर हुए हैं, उनका एचएसएफ का पेज भी मैं देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, आपका पेज भी देखता रहता हूँ, तो आप स्टोरी में लगाते हैं, तो कई एथलीट्स हैं जैसे कि डियोन हो गया, रोहित चौहान हो गए, सो डू यू बिलीव दैट दीज गाइज आर नेचुरल? अच्छा जी, पिछले हफ्ते 10 दिन से मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है। क्या इस लड़के ने वो जो 25 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम थी, क्या वो लोगों को बेची है और भाग गया, जिसकी वजह से लिटरली पिछले हफ्ते 10 दिन में, फिर चाहे वो यूट्यूब कमेंट हो, फिर चाहे वो आईजी के डीएम्स हो, या फिर फेसबुक जो हमारा ग्रुप है उसके डीएम्स हो, हर बंदा सिर्फ एक ही बात कर रहा है, मेक ए नैडी और नॉट ऑन ट्रेन विद आरसी का जो इंस्टाग्राम है। एंड आई डोंट नो, लेकिन इसी बंदे की हर तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, और ये समझें कि ही इज समवन हु इज इन फैक्ट कम्पीटिंग इन दिस ईयर्स यू नो एचएसएफ एक्सपो, जो कि इनफैक्ट उनका एक डेब्यू ईयर होगा। और क्योंकि एचएसएफ वालों का क्लेम ये है कि दे डू रैंडम ब्लड सैम्पलिंग, ब्लड टेस्टिंग, वहां पे वाडा लेवल की स्क्रीनिंग होती है, और कोई भी फेक नैडी उनको बेवकूफ नहीं बना सकता और उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकता। और आप में से बहुत से लोगों ने वो ब्लड वर्क जो कि इस लड़के ने एचएसएफ के लिए करवाया था, उसके भी लिटरली स्क्रीनशॉट्स निकाल निकाल के भेजे, जो कि उसने अपनी आईजी स्टोरीज पे लगाए थे। एंड दिस लिटरली शोज के हाउ मच यू नो विलिंग पीपल आर टू लिसन अबाउट दिस गाय। जब हम इसकी फिजिक की बात करते हैं, सो दिस इज द करंट लेवल ऑफ कंडीशनिंग एंड फिजिक ही इज एट द मोमेंट कैरिंग, और ये पोस्ट है जून 2022 फ्रॉम द सेम मंथ। He literally looks like a Greek god, you know, close to 10% body fat, veins popping out, you know, good structure, decent size, quad separation, and I would say overall a very well-developed physique. और इस फिजिक को अचीव करने में रोहित को 8 साल से ऊपर का टाइम लग गया। जैसे यहाँ पे कमेंट में किसी ने पूछा, हाउ मेनी ईयर्स यू स्पेंड टू बिल्ड दिस, जिसका जवाब देता है 8 ईयर्स ब्रो। ये पोस्ट लगभग 6 महीने पुरानी है, सो आई वुड से ओवरऑल 8.5 साल का अरसा इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इसका अब तक हो चुका है। यहाँ ही इज डूइंग श्रक्स, और इसकी कंडीशनिंग किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कम नहीं, स्ट्राइएटेड शोल्डर्स, डेल्ट रैप सेपरेटेड, वेन्स पॉपिंग आउट, जबकि यहाँ पे आर्म्स ट्रेनिंग चल रही है फ्रॉम अ नैडी बॉडी बिल्डर एज ही ऑलवेज क्लेम्स, एंड लिटरली ट्राइसेप में भी स्ट्राइशंस देखी जा सकती हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं कि कितना लो बॉडी फैट पे ये इस वक्त होगा, और इसके साथ साथ द लेवल ऑफ मसल मेच्योरिटी जो कि ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद अचीव की जाती है। इनके बॉडी मेट्रिक्स की इंफॉर्मेशन हमें इस पोस्ट से मिलती है। सर योर हाइट एंड वेट, जिसका ये रिस्पॉन्ड करता है 5 फुट 9 इंचेस, 78 kgs करंट, जो कि 78 kgs अराउंड 170 pounds बनता है, और पोस्ट में ये मेंशन करता है 10 ईयर्स ऑफ ग्राइंड एंड वी आर हेयर, सो ऑलमोस्ट इनको एक डेकेड गुजर चुका है ट्रेनिंग करते हुए। यहाँ पे ये मेंशन करते हैं डीमन बैक अंडर कंस्ट्रक्शन, द मसल मेच्योरिटी ऑफ दिस गाय इज डैम मैन। ये लिटरली पोज भी नहीं कर रहा, बट स्टिल आप क्रिसमस ट्री देख सकते हैं, और ऑफ कोर्स यही चीज और नुमाया होती है अपॉन फ्लेक्सिंग। और रोहित बॉडी बिल्डिंग शोज में भी कम्पीट करने का तजर्बा रखता है, जैसे यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर में अगर आप देखें, सो बिफोर में ही लुक्स आई वुड से इन ट्रेमेंडस शेप, ऑफ कोर्स इसको आप बॉडी फैट के हिसाब से सॉफ्ट कहोगे, बट स्टिल एब्स विजिबल हैं, जबकि स्टेज पे स्पेशली व्हेन ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ फैट टू लुक श्रेडेड, टू लुक ड्राइड आउट, ही डजंट लुक स्मॉल बट रादर बिग, आई वुड से बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल। आप एट अ टाइम इन तीनों में से कोई दो हो सकते हो, आइदर यू कैन बी बिग एंड नेचुरल, इन दैट केस आप श्रेडेड नहीं, आइदर यू कैन बी श्रेडेड एंड नेचुरल, इन दैट केस यू आर नॉट बिग, और आइदर यू कैन बी बिग एंड श्रेडेड, In that case, you are not natural. जब हम रोहित की बात करते हैं स्पेसिफिकली इस पोस्ट में, सो बिफोर एंड आफ्टर को देख के आइदर ही इज बिग, श्रेडेड, नेचुरल, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं ये आप डिसाइड करें। और ये जो थ्योरी है ये इनफैक्ट अप्लाई होती है इन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, दैट इज लेट्स से अगर इस बिफोर एंड आफ्टर में इसको 6 महीने लगे फॉर यू नो फॉर कॉन्टेस्ट प्रैप, सो उस केस में यस 4 महीने या 6 महीने, इनफैक्ट 3 महीने के लिए आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ लोकल शोज में ना सिर्फ इन्होंने कम्पीट किया बल्कि जीता भी, सो दिस शोज के एचएसएफ इनका पहला बॉडी बिल्डिंग शो नहीं होगा। ही इज आई वुड से एक्सपीरियंस्ड, और साथ साथ एक्सपोजर की कमी भी नहीं, सो एज अ बॉडी बिल्डर ही इज अ गुड पैकेज, साइज भी है, कंडीशनिंग भी, सेक्स लाइंस भी विजिबल है, सिरेटस भी,
सिक्स पैक एब्स भी हैं और साथ साथ ऑलमोस्ट हर पोस्ट में ये मेंशन करना नहीं भूलते कि ही इज इन फैक्ट नैडी। अच्छा फिर हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। सो दिस इज अ पोस्ट फ्रॉम 2017, सो 2017 में भी ही हैड अ गुड फिजिक। या फिर अगर आप 2016 की बात करें, आई बिलीव कि ये इनके स्कूल या फिर कॉलेज डेज की वीडियो होगी, फुटेज होगी, एंड आई वुड से ही लुक्स मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द गाइस। सो अगर इसे ट्रेनिंग करते हुए 8 से 10 साल हो गए हैं, सो 2016 तक इसको ऑलरेडी 3 से 4 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होगा। सो 3 साल में ऐसी फिजिक अचीव करना, स्पेशली जब आप स्टार्ट में न्यूबी गेन्स के फेज में होते हैं, सो ये चीज समझ में ऑफकोर्स आती है। और 2020 तक जब इसे ट्रेनिंग करते हुए 6 से 7 साल हो गए होंगे, सो ऑफकोर्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि इट इज अचीवेबल नेचुरली फॉर अ गाय लाइक रोहित। ऑफ कोर्स कंसिडरिंग हिज बेसलाइन, और अब तक रोहित वुड हैव एग्जॉस्टेड और इनफैक्ट पीक्ड आउट मेजॉरिटी ऑफ हिज गेन्स। लेकिन जब आप ये फिजिक पोर्ट्रेट करते हैं, स्पेशली व्हेन इट अपेरेंटली लुक्स लाइक यू आर बिगर एंड लीनर एट द सेम टाइम, सो ऑफकोर्स थिंग्स बिकम अ बिट सस्पिशियस, जो कि इस बिफोर एंड आफ्टर से भी वाजे होती हैं कि ही लुक्स आई वुड से बिगर एंड लीनर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। अगर हम एक सेकंड को इस वक्त भूल जाएं, वेदर यू नो हाउ ही यूज्ड टू लुक, यू नो आइदर बिग श्रेडेड नेचुरल ब्लब, अगर उस चीज को हम एक सेकंड के लिए साइड में भी रख दें और इस वक्त अगर हम फोकस करें इस ब्लड वर्क पे जो कि उन्होंने HSF के लिए करवाया है और अपने IG स्टोरीज में इन्होंने रखा है, तो देखिए पहली चीज तो ये कि जब आप ब्लड वर्क की बात करते हैं, सो ब्लड वर्क डजंट प्रूव एनीथिंग, क्योंकि ब्लड वर्क के लिए रैंडम सैंपलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्लड वर्क के लिए आपके जो PR, जो आपके स्ट्रेंथ नंबर्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। यानी जब आप पास्ट में, लेट्स से इफ यू वर टू यू नो डेडलिफ्ट लाइक 400 पाउंड्स और 500 पाउंड्स, सो जब आपका ब्लड वर्क हुआ उस वक्त भी आपको वो नंबर्स सिमिलर तरीके से शो करने पड़ते हैं। एंड यू नो किस टाइप का ब्लड वर्क हुआ है, कितना डिटेल्ड हुआ है, वार्डल लेवल की स्क्रीनिंग हुई है नहीं हुई है, सो बहुत सारी चीजें वहां पे मैटर करती हैं। जब मैं इनके ब्लड वर्क देखता हूँ, सो लेट्स यू नो फोकस अ बिट, इसको जूम करते हैं। सो पहला है यहाँ पे लिवर फंक्शन, दैट इज LFT। जब हम लिवर फंक्शंस देखें, सो आई वुड से थोड़े बहुत इनके जो लिवर एंजाइम्स हैं वो एलिवेटेड हैं, स्पेसिफिकली SGOT एंड SGPT। यूजुअली ये होता है, और ये बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं जब वो टेस्ट कराने जाते हैं, सो अक्सर वो क्या करते हैं कि उसी दिन एक बहुत ही हैवी ड्यूटी हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर लिया, टेस्ट करा लिया, उसकी वजह से भी अक्सर आपके लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड आते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट कराने, स्पेसिफिकली इस टाइप का टेस्ट कराने जाएं, सो 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक कहा यह जाता है कि आप कोई भी हैवी ड्यूटी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ना करें, बिकॉज दैट माइट अफेक्ट योर लिवर एंजाइम्स। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस प्रोफाइल को देखूं, सो आई वुड से दिस इज लाइक प्रीटी नॉर्मल। इसके साथ साथ दूसरा टेस्ट है HbA1c का, सो दैट इज 5.5%, अगेन लाइक नॉर्मल। हेमेटोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ, सो यहाँ पे अपेरेंटली ऑल मार्कर्स लुक प्रीटी फकिंग फाइन। वरना यूजुअली जो RBC कंटेंट होता है आपका, वो जब आप किसी चीज पे होते हैं, सो वो बहुत ही ज्यादा यू नो आपका जो ब्लड काउंट है वो काफी बढ़ा हुआ होता है, विच शोज के यू नो यू आर यू नो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनफैक्ट बढ़ चुकी है। लेकिन इन दिस ब्लड वर्क दिस इज लाइक एब्सोल्युटली फाइन। इसके साथ साथ टोटल टेस्टोस्टेरोन, यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पहली चीज तो यहाँ जो इसका टाइम स्टैम्प है जिसपे ये टेस्ट किया गया है, मुझे उस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि जब आप शाम के ऑलमोस्ट 5:56 या ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे जब टेस्ट अपना करवा रहे हैं, सो 20-30% का डिफरेंस आपके टेस्ट रिजल्ट में वहां पे आ जाता है। सो बिकॉज आपकी यू नो यू डोंट हैव अ कॉन्स्टेंट टेस्टोस्टेरोन ब्लीड, कॉन्स्टेंट आपकी ब्लीड नहीं होती, वो वेरी करती है, एक ड्राई यूरिनल इसका फैशन होता है। सो बेस्ट टाइम वुड बी यू नो सुबह के 7-8 बजे आप जाके टेस्ट कराते, सो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत रिजल्ट में फर्क आता। एनी हाउ इनका रिजल्ट आया है 3.48 नैनोग्राम्स पर ml, जिसको अगर आप नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करें, सो ऑफकोर्स दिस इज लाइक 348 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर ये बनेगा। अब देखें ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप इस पेपर के हिसाब से देखें, सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल टोटल टी लेवल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोट करूं, 18 साल से लेके 30 साल की उम्र तक ये जो 3.48 इनका नंबर आया है, ये 18 से 30 की उम्र की रेंज में भी आता है, यही 3.48 31 से 44 की जो एज के लोग हैं उसमें भी आता है, और यही 3.48 45 से जो 66 तक के लोग हैं उसमें भी आता है।
बट आई वुड से दिस इज लाइक अ प्रीटी सब्जेक्टिव थिंग. बहुत से लोग होते हैं जिनका 400 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर टोटल टी होता है एंड दे फील लाइक यू नो एनर्जेटिक मोटिवेटिंग ब्ला ब्ला. लेकिन बहुत से होते हैं उनका 600 650 पे भी दे फील लिटरली लाइक शिट. एक रीजन जो कि इनके लो टेस्टोस्टेरोन का मुझे समझ आता है एंड दैट इज जब आप एक हाइपोकैलोरिक डाइट पे होते हैं, जब आप एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं, जैसे कि ये शख्स इस वक्त ऑफकोर्स एक बॉडी बिल्डिंग शो के लिए तैयारी कर रहा है, सो उसको अपनी कैलोरीज लिमिट करनी पड़ती है. इन दैट केस क्या होता है कि आप अपने हार्मोन्स को यू आर नॉट कीपिंग देम हैप्पी. जब आप उन्हें हैप्पी नहीं रखोगे सो ऑफकोर्स आपके एस एच बी जी लेवल्स ऊपर जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट आपका टोटल टी जो है ऑफकोर्स वो फिर अफेक्ट यहाँ पे होगा. इसके साथ साथ वी हैव देन इज फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि आया है 1.91 पिकोग्राम्स पर एम एल जबकि रेंज है 5 to 30. यानी ये जो इसकी लो रेंज है, जो लो नॉर्मल था 5, उससे भी इनफैक्ट ये काफी कम आया. सो आई वुड से दिस इज नॉट लो, दिस इज लाइक वेरी लो, दिस इज लाइक एब्सोल्युटली नथिंग. सो अब मैं क्या कर रहा हूं कि परसेंटेज निकाल रहा हूं कि टोटल टी में से फ्री टी कितना है. इसके लिए हम 0.191 को 0.191 एंड देन वी आर गोइंग टू बी डिवाइडिंग इट बाय 348 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो दिस इज 0.05 फकिंग परसेंट. एक हेल्दी मेल के लिए ये परसेंटेज, ये रेशियो आपका 1 to 3% के आसपास होना चाहिए. इसका लिटरली 1% तो दूर की बात है. दिस इज नॉट इवन 0.1% ऑफ द टोटल टी. कम ऑन मैन, व्हाट द हेल यू आर डूइंग ब्रो. इनफैक्ट जब मैंने सौरभ का, सिंगर का जब ब्लड वर्क किया था उस वक्त भी इनफैक्ट 0.5% उसका आया था. उसका भी इनफैक्ट बहुत कम आया था. बट दिस इज लाइक वे लो, इवन उसके मुकाबले भी दिस इज लाइक वेरी लो. और एक चीज, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं बता दूं, देखें ये जो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है और इस टाइप का असेसमेंट कभी आपने खुद करवाना हो सो आप एक प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाके करवाइएगा. सो इसको आप समझें कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं दैट इज जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं सो देखें टेस्टोस्टेरोन जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है बाउंड, एक होता है अनबाउंड. बाउंड से मुराद बाउंड विद एल्ब्यूमिन, विद SHBG, जबकि जो अनबाउंड होता है दैट इज लाइक फ्री टेस्टोस्टेरोन. ये जो फ्री टी है, जो बायो अवेलेबल टी होता है, ये अवेलेबल है फॉर योर मसल्स, फॉर योर सेक्स ड्राइव, हेयर्स एंड अदर स्टफ. जबकि जो बाउंड होता है वो अवेलेबल नहीं है, यानी वो जितना ज्यादा हो वो अवेलेबल आपके लिए है ही नहीं, आपकी बॉडी के लिए इनफैक्ट अवेलेबल नहीं है. सो इफ यू हैव लाइक ऑलमोस्ट नो फ्री टी सो हाउ ऑन अर्थ आर यू इनफैक्ट मेंटेनिंग दैट फकिंग साइज. इनफैक्ट अगर मैं ब्लड रिपोर्ट्स की बात करूं, ब्लड वर्क की बात करूं, आई डोंट सी SHBG इन इट, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता. आई डोंट सी एस्ट्राडाइल, आई डोंट सी लिपिड पैनल, जिससे HDL स्पेसिफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इसके साथ साथ गोनैडोट्रोपिन्स, LH इसमें नहीं है, FSH इसमें नहीं है, IGF-1 या फिर अगर चीज़ों को मिमिक करने के लिए HCG डिटेक्शन भी एक टेस्ट होता है कि इफ ही हैज यूज्ड समहाउ, सो वो चीज भी इस ब्लड वर्क में आ सकती थी. और आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट कि अगर HSF ने इनको कहा है कि ये सारे के सारे टेस्ट कराने को, अगर अगर उन्होंने कहा है इस ब्लड वर्क इन लोगों से कराने को, सो आई वुड से दिस इज लाइक कंप्लीटली इनकम्प्लीट. दिस इज इनफैक्ट कंप्लीटली इनकम्प्लीट, क्योंकि देखिए आप इस चीज से कुछ नहीं निकाल सकते. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 0.05% है, दिस इज लाइक आई वुड से विद दिस फिजीक लुक्स वेरी सस्पिशियस. इनफैक्ट सत्विक पांडे ने कुछ दिन पहले, इनफैक्ट आई थिंक इसी वीक, एक पॉडकास्ट किया है विद जीत सलाल और उसमें बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं. सो जब इस लड़के के बारे में सवाल आया कि व्हाट डज जीत सलाल थिंक ऑफ दिस गाय, वेदर ही इज इनफैक्ट नैडी और नॉट, सो उनका क्या कहना था, जस्ट वॉच दिस आउट. इसमें सर जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं, रजिस्टर हुए हैं, उनका HSF का पेज भी मैं देखता रहता हूँ, आपका पेज भी देखता रहता हूँ, तो आप स्टोरी में लगाते हैं, तो कई एथलीट्स हैं जैसे कि डियोन हो गया, रोहित चौहान हो गए, सो डू यू बिलीव दैट दीज गाइज आर नेचुरल? सी, रैंडम टेस्टिंग ऑन है, रैंडम टेस्टिंग चल रहा है और ऑलरेडी हो भी चुका है काफी सारे लोगों का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन लोगों को भी, लोगों को लगता है कि ये लोग नेचुरल नहीं हैं, ये लोग चीट करते हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर ये टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, नहीं भी हुआ होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस. ऐसा क्यों पता है? क्योंकि नेचुरल लिफ्टर्स के लिए, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा जो एक यू नो सपना होता है ना जीवन में,
वो सपना ये होता है कि ये प्रूव करना कि मैं नेचुरल हूँ, वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो दिल में जो चाह होती ना कि मैं नेचुरल हूँ भाई, मैं कोई स्टेरॉयड नहीं लिए मैंने आज तक जिंदगी में, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए, ये सिर्फ मेहनत से ही बॉडी बनाई है, इसको प्रूव करने के लिए, इस पे यकीन दिलाने के लिए ही जीता है वो। यानी इनके हिसाब से अगर ये ब्लड टेस्ट नहीं भी हुए होते सो ही वुड हैव थॉट और ही वुड हैव अज्यूम्ड देम एज नैडी। आई थिंक इनके अंदर से आवाज आती है जस्ट लाइक काय ग्रीन। दूसरी चीज, मुझे ये लॉजिक बिल्कुल भी नहीं समझ आई कि व्हाई ऑन अर्थ यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन। यानी एक इंसान क्या वो इतना फारिग है कि दुनिया को प्रूव करने के लिए कि वो नैडी है वो अपनी सारी जिंदगी लगा देगा, इवन अगर जिंदगी के 5 से 10 साल भी लगा दिए वो क्यों जाया करेगा। और लिटरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप एक की एक ख्वाहिश पूरी कर दो, आप उसको सेटिस्फाई कर दो, आप प्रूव कर दो आप नैडी हो, दिस इज लाइक ए गारंटी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो दूसरी फरमाइश ना करे, वो और क्लेम्स लेके आ जाएगा, वो और 10 चीजों की आपसे मांग रखेगा। सो क्या हम अपनी सारी जिंदगी दूसरों को प्रूव करने में लगा दें? हैविंग सेड दैट, जब आप क्लेम करते हो कि आप ब्लड वर्क के थ्रू प्रूव कर रहे हो कि इन फैक्ट यू आर नैडी, सो देखें ये जो ब्लड वर्क है, ये जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, दे लिटरली प्रूव नथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या इन लोगों को ईमेल की गई इन एथलीट्स को कि जाके टेस्ट कराएं एंड देन ये रिजल्ट्स आए, या फिर रेंडमली जस्ट लाइक ये किसी जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे लोगों ने आगे पकड़ लिया HSF की टीम ने, बेटा आज ब्लड दे, वो जो होती है वो होती है रेंडम ब्लड टेस्टिंग। आप अपने दोस्त के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, पकड़ लिया आप बेटा ब्लड दे, दैट इज रेंडम ब्लड टेस्टिंग। अगर इनको लेट से ईमेल आई कि जी कल आपने इतने बजे हमें हमें सैंपल देना है, सो ऑफकोर्स एक तो उनको पता है कितने किस तारीख को उनका कॉन्टेस्ट है, ऊपर से आप उनको 2-3 दिन का अगर मार्जिन भी दे दो, सो आई वुड से दिस इज लाइक मोर देन एनफ। सो किस टाइप की रैंडम टेस्टिंग हुई है या स्क्रीनिंग हुई है आई लिटरली डोंट नो अबाउट दैट, अगर आपको पता हो इनफैक्ट डू लेट मी नो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी फिजिक की और इसको लिटरली रिलेट करूं इनके टोटल टेस्टोस्टेरोन से, फ्री टेस्टोस्टेरोन से, सो 0.05% आई वुड से दे डोंट मैच, टू बी ऑनेस्ट वो मैच नहीं करता। इवन अगर इस चीज को मैं साइड में भी रख दूं, अगर आप बेक श्रेडेड और नेचुरल की जो सो कॉल्ड थ्योरी है अगर आप बिफोर एंड आफ्टर में उस पोस्ट में कंपेयर करो, सो आई वुड से ही लुक्स लाइक मच फुलर, मच बिगर एंड आई वुड से मच लीनर एज वेल। सो एट द एंड ऑफ द डे आई रेस्ट माई केस इन योर कोर्ट एंड लेट यू डिसाइड कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस गाय। थैंक यू सो मच।